हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सागो डेजर्ट। सागो यानी साबूदाना। साबूदाने से आज मैं कुछ मीठा बनाने वाली हूँ जो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। और जितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है, उतना बढ़िया ये खाने में भी है। कि साबूदाने कितने बढ़िया दिख रहे हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट। और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, आप इसे गर्म या ठंडा किसी भी तरीके से खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सागो डेजर्ट बनाना। सागो डेजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। इस दूध को हमें उबालना है। तो चलिए गैस ऑन करते हैं और दूध को उबालते हैं। और जब तक ये हमारा जो दूध है उबल रहा है, हम तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए, जो साबूदाना है मैंने इसे 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था। यहाँ मैंने सबसे छोटे साइज का साबूदाना लिया है। ये साबूदाना मैंने, ये जो कटोरी है, इस कटोरी से पूरा भर के नहीं लिया है, मैंने इतना लिया है। आप कह सकते हैं 3/4 बोल मैंने इसमें साबूदाना लिया है। और ये देखिए, जो हमारा साबूदाना है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सबसे जो छोटा वाला साइज है वो है। ये भीगने के बाद इस साइज का दिख रहा है और ये अभी थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। इस साबूदाने को हम अपने हाथों से इस तरीके से धोएंगे। इसे हमें 2 से 3 बार वॉश करना है। और ये देखिए, इसमें से वाइट पूरा पाउडर जैसा निकल रहा है। इस वजह से हमें ये जो पाउडर 2 से 3 बार के वॉश में निकल जाएगा, तो हमें कम से कम 2 से 3 बार इसे धोना है। और इसी तरीके से हम 2 बार और इसे वॉश करेंगे। और ये देखिए, जो हमारा साबूदाना है वो अच्छे से वॉश हो गया है। अब हम देख लेते हैं हमारा दूध। ये देखिए, जो दूध भी है इसमें उबाल आ गया है। अब जो गैस है उसे हम स्लो कर देंगे। और लो फ्लेम पे हमें इसे उबालना है। और इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी कम करनी है, एकदम आधा नहीं करना है, लेकिन आधा से थोड़ा ज्यादा रखना है। और दूध जो है हमारा, आप देख पा रहे होंगे, ये उबल रहा है। इसे हमें गाढ़ा करना है और ये गाढ़ा हो रहा है। और हमारा जो फ्लेम है वो भी लो है। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ बर्तन लिया। इस बर्तन में मैंने जो आपको कटोरी दिखाई थी, उस कटोरी से मैंने 3 कटोरी इसके अंदर पानी लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमारा साबूदाना था, जो हमारा सागो है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और इसके अंदर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से पकाना है। और अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये गाढ़ा हो जाएगा। और आप ये देखिए, जो हमारा साबूदाना है पहले से गाढ़ा हो गया है। इसे हम थोड़ा और पकाएंगे। और ये देखिए, जो हमारा साबूदाना है वो पहले से गाढ़ा हो गया है और पक भी गया है, ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये साबूदाना दूध में भी पकने वाला है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे हमें छानना है। तो मैंने यहाँ पे ये छन्नी रखी है, उसके नीचे एक बर्तन रखा है, उसके अंदर हम डाल के इस तरीके से उसे छानेंगे। और इस तरीके से हमें इसका सारा पानी निकालना है। और अब हम इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे। और ठंडा पानी डाल के भी हमें साबूदाने को एक बार धोना है। इससे क्या होगा, जो इसमें चिपचिपाहट सा होता है, जो चिपचिपापन होता है, वो निकल जाएगा। और ये देखिए, जो हमारा साबूदाना है कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम दूध को देख लेते हैं। ये देखिए, जो हमारा दूध है वो गाढ़ा हो गया है। आप देख पा रहे होंगे पहले से जो इसकी क्वांटिटी है वो कम हो गई है। अब हम इसके अंदर जो हमारा साबूदाना है वो हम इसके अंदर डालेंगे।
और इसके अंदर डालते ही आपको थोड़ा ये चिपका हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर डालते ही सारे साबुदाने हमारे एकदम सेपरेट हो जाएंगे, एकदम अलग अलग हो जाएंगे। और ये देखिए सारे साबुदाने जो हैं हमारे कितने बढ़िया दिख रहे हैं। और इसे हम थोड़ी देर और उबालेंगे। ये देखिए पहले से थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है ये। अब हम इसके अंदर एक कटोरी चीनी डालेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर। और चीनी डालने के बाद क्या होता है कि ये फिर से पतला हो जाएगा, तो इसलिए चीनी डालने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। और जब तक ये उबल रहा है, पक रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे कुछ मेरे पास फ्रूट्स मैंने लिए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एप्रिकॉट लिया हुआ है, यहाँ पे ये पिस्ता लिया हुआ है, यहाँ पे ये जो चेरी है वो ली हुई है, यहाँ पे नाशपाती है, यहाँ पे ये पोमेग्रेनेट है और एप्पल है। इन फ्रूट्स को हम अब छोटा छोटा कट कर लेंगे। सारे फ्रूट्स कट हो गए हैं। अब ये देखिए जो हमारा सागू है वो भी गाढ़ा हो गया है पहले से, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, ये रेडी हो चुका है। और ये जो सागू है पहले से थोड़ा ठंडा भी हो गया है। अब हम इसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो डालेंगे, जो मैंने अभी कट किया था, नाशपाती, एप्पल। अनार एप्रिकॉट आप इसमें कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, चेरी, थोड़ा सा एप्रिकॉट मैंने डाला है, थोड़ा सा चेरी डाला है और बाद में थोड़ा सा हम रख और थोड़ा सा यहाँ मैंने पिस्ता डाला है और बाद में थोड़े से हम फ्रूट जो है वो गार्निश करेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से बचा के रख लिए हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक बोल लेंगे और बोल में हम सर्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारे साबुदाने हैं कितने बढ़िया दिख रहे हैं, एकदम मोतियों की तरह दिख रहे हैं और एकदम चिपके हुए नहीं हैं, एकदम अलग हैं सारे। और इसके ऊपर अब हम ये जो एप्रिकॉट है वो डालेंगे, इससे हम गार्निश करेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर चेरी, कटी हुई चेरी। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे पिस्ता। और ये देखिए जो हमारा सागो डेजर्ट है कितना बढ़िया दिख रहा है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे भी ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। इसे आप ठंडा या गर्म किसी भी तरीके से खा सकते हैं, ठंडा तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। रियली ये बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। घर में ये सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इसे फास्ट में भी खा सकते हैं या फिर डिज़र्ट के तौर पे।